शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी डॉक्टर मेहता। क्या मम्मी का इलाज अब यही कानपुर में हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने जी। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू डॉक्टर। इतना लॉस हो गया कि अकाउंट में सिर्फ 2 लाख बचे। अभय, मेरे पास एफडी में 5 लाख रुपए हैं, हम उसे तुड़वा सकते हैं। और मेरे पास कुछ जेवर भी है, हम उसे भी गिरवी रख सकते हैं। बेटा ये रख लो बेटा। बेटा ये चेक किसके लिए? पापा, मैंने घर के लिए नया टीवी ऑर्डर किया, नए जमाने का स्मार्ट टीवी। अब हमें ऊपर जाके टीवी देखना नहीं पड़ेगा। और पापा, मैंने आपके कमरे के लिए भी एक नया टीवी ऑर्डर किया। लेकिन बेटा, एक साथ 2 टीवी की क्या जरूरत है? पापा जी, हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। हाँ पापा, रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। चलिए सर। थैंक यू सर। वरुण बेटा, तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हें इस घर की पूरी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। अब अभय को भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें उसको साथ खाना देना चाहिए। ये तोहफे, गाड़ी और घर पे इतना खर्चा करने से बेहतर है कि एक बार अभी से बात तो करो, पता करो उसे किसी चीज की कमी तो नहीं है, कहीं उसे पैसों की जरूरत तो नहीं है। पापा, अभी का अच्छा खासा इतना बड़ा बिजनेस है, उसे किस चीज की कमी होगी? और देखिए, अगर फ्यूचर में ऐसा होता भी है ना तो मैं उसके लिए लोन ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और पापा जी, घर पे गाड़ी की कितनी जरूरत थी आप ही बताइए। वो पुरानी वाली गाड़ी बार बार खराब हो जा रही थी और उसको ठीक कराने का अलग इतना सारा खर्चा। कुछ सोच समझ के वरुण जी ने 20 लाख का लोन लिया होगा और वो भी झटपट चुका ही देंगे। हाँ बाबा, वैसे भी आज का जमाना अलग है। आपका जमाना अलग था जब लोग आज के लिए जीने के बजाय भविष्य के लिए पैसे जोड़ते थे। पापा जी, अभी पैसे बचाने की जरूरत है। आज के लिए हम सब संभाल लेते हैं, हमारे परिवार के कल के लिए आप पैसे बचा लीजिए। रात काफी होगी पापा, आप जाके सो जाइए और मम्मी के साथ कल जन्माष्टमी के जश्न का सोचिए। हम देख लेंगे पापा। वरुण भैया, ये क्या किया आपने? कितने नीचे मटके लगाई है, यहाँ तक तो मेरा हाथ ही आसानी से पहुंच जाएगा, थोड़ा और ऊपर लगाओ। Thank you.
अभय और श्रद्धा ने संभाल लिया, वरना आज के दिन बाल गोपाल का चूल्हा टूटना बहुत अपशकुन होता है। हे कृष्ण भगवान, आज जन्माष्टमी के दिन हमारे परिवार को बुराई के साए से भी दूर रखना। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों बच्चों, पूछा है ना, अब ठीक लग रहा है? पापा, आप कहाँ ये मिठाई उठाई के चक्कर में पड़ गए? मैंने पहले ही बंसी वाला मिठाई भंडार से सब ऑर्डर कर दिया। और हमने सुना है वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है, सारे बड़े लोग ना वहीं से मिठाई खरीदते हैं। लेकिन बेटा, आज तक तो सब मिठाई हम साथ में मिलके बनाते आए, और श्रद्धा के हाथ की बनी हुई मिठाई तो स्वादिष्ट होती है, ये तो हम सब जानते ही है। हाँ पापा, पर बाकी सब लोग और श्रद्धा ये भी कितना काम करेंगे, सबको मेरी तरफ से आराम इस बार। वरुण बेटा, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेकार में खर्च करने की क्या जरूरत है। वैसे भी जब परिवार मिलके भोग की तैयारी करता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है, और त्योहारों में एक दूसरे का हाथ बटाने से थकान भी तो उतर जाती है, ये सब त्योहारों के जश्न का हिस्सा ही तो होता है। आप सब ये देख रहे हैं कि वरुण जी कितना खर्चा कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं देख रहा कि कितने दिल से, कितने मन से ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। अब कीर्ति, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। अगर किसी को भी बाहर की मिठाई नहीं खानी है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। ओके, पब्लू अपना हॉस्टल जाना कैंसिल भी तो नहीं कर सकता था ना, वरना वो भी जाता हमारे साथ जन्माष्टमी मनाने। पहले तो हर साल दही हांडी खेलता था, कितना शौक था उसे। अब देखिए ना, पढ़ाई जरूरी है तो कितनी मेहनत कर रहा है वो। कितना अच्छा लग रहा है ना सब, आज बहुत मजा आने वाला है। तुझे पता है अभय भैया ने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की है? मुझे पूरा यकीन है आज ना अभय भैया की जीत होगी, ये मटकी तो अभय भैया ही फोड़ेंगे। एक सेकंड, हर साल ना दही हांडी वरुण जीतता है, इस साल भी वही जीतेगा। जी नहीं, इस साल तो अभय भैया ही जीतेंगे। वरुण जीतेगा? बिल्कुल नहीं, वरुण ही जीतेगा, अभय भैया ही जीतेंगे। अरे अरे अरे, आप दोनों से भी छोटी बच्चियां आ गई है इस घर में, क्या बच्चों की तरह बहस कर रहे हो? चलो हमें बताओ किस बात पे बहस हो रही है। नहीं बुआ जी, हम बहस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे कि आखिर इस साल ये मटकी कौन फोड़ेगा। वरुण जी। जी नहीं, अबे भैया फोड़ेंगे। आप सब लोग ना देखना, अबे भैया को आने दो, आप सबका ना एक एक का मुंह बंद हो जाएगा। वरुण बेटा, ऐसा लगता है इसे कल ही की बात हो जब नैना जी तुम्हें कृष्ण की तरह तैयार करती थी और तुम पूरे घर में बांसुरी लेके दौड़ते रहते थे। पापा, आप भी ना, तब मैं बच्चा था। बेटा, हमारे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। अभय तो मुझसे हमेशा डांट खाता ही आया है, मुझे तो आज भी वो बदमाश बच्चा ही लगता है। अरे लेकिन हमारे बदमाश बच्चे हैं कहाँ, कियार अभी ऊपर ही गई हुई है श्रद्धा के पास तैयार होने के लिए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।